नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते का हलवा, रॉ पपाया हलवा। इसको बनाने के लिए मैंने कच्चा पपीता लिया है, इसको अच्छी तरह से धो करके और इसमें से मैंने आधा पपीता इस्तेमाल किया है। और इसको मैंने अच्छी तरह से धो करके छिलका हटा करके और कद्दूकस में ग्रेट करके लिया है, जो कि इस प्रकार से है। ये 1.5 कप करीब होगा। और इसके लिए मुझे 6-7 चम्मच शक्कर लगेगी। शक्कर आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर है, 4 चम्मच घी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं कटे हुए जिसमें मैंने बादाम और काजू लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार और भी डाल सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें मैं घी डाल देती हूँ। घी गर्म हो गया है, मैं इसमें कच्चा पपीता डाल देती हूँ। इसको मैं 4-5 मिनट तक भून लूँगी। कच्चे पपीते को घी में भूनते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं और इसमें जो भी पानी था वो सूख गया है और ये पत्ता के हल्का सॉफ्ट हो गया है। इसमें शक्कर डाल देते हैं और इलायची पाउडर, इसके साथ भी इसको 2-3 मिनट पका लेंगे। शक्कर डाल देने से ये थोड़ा सा पतला हो गया है, किंतु पकते पकते ये वापस गाढ़ा हो जाएगा। शक्कर डालकर पकाते हुए भी मुझे 2-3 मिनट हो गए, वापस ये थोड़ा गाढ़ा हो गया। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और मिल्क पाउडर डालते हैं, इसे मैं आपको बताना भूल गई थी। 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर और पका दूंगी इसको। मिल्क पाउडर डालकर भी 2-3 मिनट और पका लिया है मैंने और ये हलवा बनकर के तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे सर्व कर लेती हूँ। कच्चे पपीते के हलवे को मैंने सर्व कर लिया है, ये बनकर के तैयार है। इसको मैंने थोड़े से बादाम और काजू से गार्निश कर दिया है। ये हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी होता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।